आबकारी विभाग की कार्यवाही, 40 लीटर अवैध शराब जब्त, आरोपियों को पकड़ा। नमस्कार, मैं हूं सिमरन बेरागी और आप देख रहे हैं NT7 न्यूज। आप NT7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए आज की विशेष खबर। नमो के पॉलिटेक्निक कॉलेज के पीछे रहने वाले कुछ बंदिया समाज के लोगों के पास से आबकारी विभाग की टीम ने बुधवार शाम छापामारी कर करीब 40 लीटर कच्ची शराब, अवैध शराब जब्त की है। इसके अलावा करीब 12 किलोग्राम महुआ लहान भी जब्त किया गया है। इस समुदाय के लोग कई सालों से इसी तरह कच्ची शराब बनाकर भेजते जा रहे हैं। बता दें कि समय समय पर आबकारी और पुलिस विभाग के द्वारा यहां पर छापेमारी की जाती है, आरोपियों को पकड़ा जाता है, लेकिन इसके बाद भी यह लोग इस अवैध शराब के कारोबार को बंद नहीं कर रहे हैं। बुधवार शाम आबकारी सब इंस्पेक्टर अनुरोध सेन, मधुसूदन दीवान और सुरेश कुमार ने अपनी टीम के साथ मिलकर यहां पर दबिश दी। जिला आबकारी अधिकारी रविंद्र खरे ने बताया कि कलेक्टर मयंक अग्रवाल के निर्देश पर यह कार्यवाही की गई है। इस कार्यवाही में 5 आरोपियों के खिलाफ अवैध शराब बिक्री की कार्यवाही की गई। शराब के अलावा हाथ भट्टी और अन्य शराब बनाने के उपकरण भी जब्त किए गए हैं। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आप NT7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए हमारे साथ।